नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों का बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौम्या ठाकुर। पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिन के कन्याकुमारी दौरे पर हैं। इस दौरान वह यहां ध्यान लगाएंगे और पूजा अर्चना भी करेंगे। पीएम मोदी ने अपने आध्यात्मिक जर्नी के दौरान सुबह की शुरुआत सूर्य नमस्कार से की। उन्होंने इस दौरान भगवान सूर्य को जल भी अर्पित किया। पीएम मोदी के कन्याकुमारी दौरे से जुड़ी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में पीएम मोदी भगवान सूर्य की वंदना करते हुए नजर आए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक इंटरव्यू में कहा कि इंडिया ब्लॉक लोकसभा चुनाव में 300 से अधिक सीटें जीतेगी, जिसमें कांग्रेस अकेली 273 का आंकड़ा पार करेगी। भारतीय जनता पार्टी भाजपा की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री पद के चेहरे का मुद्दा लोकसभा चुनाव के नतीजे के एक दिन बाद 5 जून को गठबंधन सहयोगों के साथ सुलझा लिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने से पहले ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों को सचेत कर उन्होंने एग्जिट पोल पर बोलते हुए कहा कि एग्जिट पोल के आंकड़े झूठे हैं, किसी भी बीजेपी एग्जिट पोल के बहकावे में नहीं आए और पूरी तरह से चौकन्ना रहते हुए अपना आत्मविश्वास बनाए रखते हुए डटे रहें और जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही संविधान, लोकतंत्र और देश की जनता की जीत का उत्साह मनाएं। कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा ऐलान किया है। 7वें चरण में मतदान समाप्त होने के बाद ही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर होने वाले एग्जिट पोल डिबेट में कांग्रेस पार्टी अपने प्रवक्ताओं को नहीं भेजेगी। पार्टी के सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि कांग्रेस पार्टी ने चुनावी नतीजे से पहले एग्जिट पोल का हिस्सा न बनने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि ऐसी बहसों का कोई सार्थक नतीजा सामने नहीं आता। पार्टी सूत्रों का कहना है कि 4 जून को होने वाली काउंटिंग के बाद देश की जनता का डिसीजन सामने आएगा और पार्टी इसे स्वीकार करेगी। दिल्ली की 30,000 कोर्ट में स्वाति मालीवाल केस के आरोपी बीवा कुमार को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल मामले में आरोपी बीवा कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया था। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने से पहले बीवा कुमार दिल्ली पुलिस की हिरासत में थे। इससे पहले 28 मई को कोर्ट में बीवा कुमार को 3 और दिनों के लिए पुलिस ने कस्टडी में भेजा था। श्रीनगर हवाई अड्डे पर अफरा तफरी मच गई। दरअसल जब एक विस्तारा फ्लाइट में बम की सूचना मिली तो लोगों में डर के कारण फ्लाइट में एक बच्चे समेत 177 यात्री सवार थे। बम की सूचना के साथ ही एयरलाइन और सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई की। दिल्ली से रवाना हुई फ्लाइट नंबर UK 611 लगभग 12 बजे श्रीनगर हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारी गई और किसी को भी कुछ हानि नहीं हुई। यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे JDS सांसद प्रज्वल रिवन्ना को कड़ी सुरक्षा देते हुए मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। महिला पुलिस अधिकारियों की निगरानी में प्रज्वल रिवन्ना को वॉरिंग और लेडी कॉजन हॉस्पिटल ले जाया गया। प्रज्वल के खिलाफ आरोपों की जांच कर रही SIT ने बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, प्रज्वल रिवन्ना 27 अप्रैल से जर्मनी में थे और उन्हें 6 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। भीषण गर्मी के बीच पानी की समस्याओं से जूझ रही भारत की राजधानी दिल्ली को राहत दिलाने के लिए अब केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने हरियाणा सरकार को निर्देश देने की मांग की है कि वह ज़्यादा मात्रा में पानी दिल्ली को दें, जिससे पानी की मार झेल रही दिल्ली को राहत मिले और लोगों तक पानी पहुँच पाए। दिल्ली सरकार आज इस पानी के मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर रही है। हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हरियाणा को और यूपी के कुछ हिस्सों से जहां पर दिल्ली का पानी आता है उनको आदेश दे कि दिल्ली वालों को उनके हक का पानी मिलना चाहिए। गर्मी के चलते कई शहर रेड अलर्ट पर हैं क्योंकि कई शहरों में पारा 50 डिग्री के पार चला गया है और लोग भीषण लू का सामना कर रहे हैं। उधर मौसम विभाग ने कई शहरों में गर्मी और लू के चलने की चेतावनी भी जारी की है। देश की राजधानी दिल्ली भी भीषण गर्मी का कहर झेल रही है। दिल्ली के मुंगेशपुर में अब तक सबसे ज्यादा टेम्परेचर दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया 29 मई को मुंगेशपुर का तापमान 52 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पुणे कार हादसे मामले में आरोपी नाबालिग के पिता और दादा को कोर्ट ने
14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इसके साथ ही पुणे क्राइम ब्रांच ने नाबालिग आरोपी के पिता के लिए पुणे जिला न्यायालय में पहली FIR में प्रोडक्शन आवेदन दायर किया, जिसमें 120वीं के तहत आरोप लगाए गए हैं। यह वही FIR है जिसमें ब्लड सैंपल बदले गए थे, जिसमें डॉक्टर और एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।